हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बीपीएससी अर्थात बीपीएससी सेवेंथ फेज टीचर के लिए, टीचर एग्जामिनेशंस के लिए बिहार स्पेशल के इस कंटेंट में, जो कि हमारे हाथों के द्वारा बनाई गई नोट्स के महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे और इसमें सारे क्वेश्चनों को हम समेटने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले आप इसको एक एक करके देखते जाइए, हम आपको इस छोटे से स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अंत में इस पूरे वीडियो, इस पूरे कंटेंट के आधार पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले बिहार की शासन व्यवस्था में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि बिहार का संवैधानिक गठन अगर देखा जाए तो कब किया गया। तो बिहार राज्य का गठन संवैधानिक रूप से 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। इतना बस ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य का गठन संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों ध्यान से एक एक करके बिंदु को एकदम जया नहीं कीजिएगा और इस सभी बिंदुओं को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और फिर अंत में हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सब कुछ इसमें पढ़ा देने वाले हैं हम। बिहार का विभाजन, बिहार का विभाजन दो चरणों में होती है। एक होता है पहला 1 अप्रैल 1936 को, दूसरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार में सम्मिलित रहने वाले उड़ीसा क्षेत्र को हमसे अलग कर दिया गया। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का फिर से विभाजन होता है और उस कंडीशंस में झारखंड को बिहार के दक्षिणी भाग से काट करके निकाल दिया जाता है। कुल काटे गए जो क्षेत्र हैं वे 45.85% भाग होते हैं, जो पूर्व बिहार 15 नवंबर 2015 के पहले उपस्थित था। आगे बिंदु है कि भारत में बिहार का स्थान कैसे आप देखेंगे। तो भारत में बिहार का स्थान हम दो रूपों में देखेंगे। पहला नंबर कि बिहार का स्थान भारत में किस प्रकार से होगा, तो पहला नंबर होगा जनसंख्या के आधार पर। अगर पूछा जाए कि बिहार का पूरे भारत में जनसंख्या के आधार पर स्थान से कौन है, तो सही आंसर होगा तीसरा स्थान है। तो प्रारंभ के हम लोग तीन देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर जो तीन बड़े राज्य हैं उसमें से सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जनसंख्या के आधार पर बिहार से ऊपर आने वाले दो अन्य राज्य या अन्य राज्य कौन कौन से हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला लिया जाए तो बिहार का स्थान जो होता है दोस्तों वह 13वां होता है, लेकिन सिर्फ राज्यों से अगर तुलना किया जाए तो बिहार का स्थान 12वां नंबर आता है। तो उम्मीद करते सभी बिंदुओं को गौर से आप देखते चलिएगा। बिहार का जो स्थान है वह भारत में दो रूपों से हम लोग देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर तीसरा और क्षेत्रफल के आधार पर 12वां और 13वां। आगे देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि बिहार शासन व्यवस्था के अंग, जो बिहार की शासन व्यवस्था है वह कितने अंगों में विभाजित है। तो बिहार की शासन व्यवस्था तीन अंगों में विभाजित है, पहला नंबर विधायिका, दूसरा नंबर कार्यपालिका और तीसरा नंबर क्या न्यायपालिका। सबसे पहले इस जो विधायिका की बात बारे में अध्ययन करना है वो एक्ट नंबर 168 में करना है। हम एक एक करके एक एक चीज़ों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। शुरू से अंत तक देखिएगा, बिहार के शासन व्यवस्था के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और क्या न्यायपालिका। तो आइए शुरुआत करते हैं विधायिका को। देखिएगा दोस्तों, विधायिका का ही दूसरा नाम व्यवस्थापिका होता है, यह कानून की या चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम करती है। इसके मुख्य रूप से दो अंग होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो होता है दोस्तों उसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं, यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात को वक्त के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग नहीं भंग कर सकते, इसको राज्यपाल जो है भंग कर सकता है। तो देखेंगे विधायिका के दो अंग होंगे, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। निम्न सदन कहेंगे विधानसभा को और अस्थाई सदन भी कहेंगे, और वही विधान परिषद जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और अस्थाई सदन जो होता है वह उसी मतलब विधान परिषद को भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं इसकी जानकारी या इसकी रूपरेखा तय करता है हमारे भारत की संसद। याद रखेंगे हमारे इंडियन जो पार्लियामेंट्री है वही इसको तैयार करता है। दोस्तों अभी आप जो ऊपर देख रहे थे वह विधान क्या था, हम लोग का व्यवस्थापिका था, व्यवस्थापिका के दो अंक होगा। लेकिन अगर पूछ दे विधानमंडल क्या है, तो देखेंगे दोस्तों राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों को मिला देने से एक मंडल का निर्माण होता है। जिस प्रकार संसद का निर्माण होता है उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति को मिलाकर, उसी तरीके से राज्य में विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर के विधानमंडल की तैयारी होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में विधानमंडल है और इसके तीन अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसमें एक्ट नंबर 168 में इसका अध्ययन करना है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा को। बिहार विधानसभा जो दोस्तों है इसमें कुल मिलाकर 243 सीट है। याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड को बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से काट करके 45% मान इसको बाहर कर दिया गया, उस समय बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 बची, उसमें से अनारक्षित और आरक्षित में इसको बांटा गया है। अनारक्षित का मतलब ये जनरल है, यानी इस पर कोई भी फाइट कर सकता है, उसका मतलब
वर्ग नहीं देखा जाएगा। लेकिन विधानसभा की जो 243 सीट है उसमें दोस्तों 243 में से 40 ऐसी है जो आरक्षित है। आरक्षित भी दो भागों में बांटी गई है, एक है अनुसूचित जाति के लिए और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो पूछा जाएगा आरक्षित सीटें कितनी है बिहार में, तो 40 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, तो 2 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हैं, 38। बाकी जनरल सीटें जो होती हैं जिस पर कोई भी फाइट कर सकता है उनकी संख्या 203 है। उम्मीद करते रहिए, एक एक करके पढ़ते चलिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीट नहीं है क्योंकि अब यह वर्तमान झारखंड में उपस्थित है। याद रखिएगा, हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन सीट होता है, अर्थात विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीट पर जो है राज्यपाल एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। ये कब होता है, जब कोई भी सदस्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रजाति से नहीं आए होंगे। अब रहता है कि एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, दोस्तों एंग्लो इंडियन वे लोग होते हैं जिनके दादा परदादा या पिता या उनमें से कोई व्यक्ति ऐसे हो जो अंग्रेज हो और उन्होंने किसी भारतीय महिला से शादी किया, उनके रहने वाले जो संतान होंगे उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर नहीं चुन करके विधानसभा में आती है तो उसको हमारा राज्यपाल जो है विधानसभा में चुनता है। तो ऐसी सीट बिहार में पहले थी, लेकिन या जब झारखंड का निर्माण हुआ तो ये कट करके झारखंड में चली गई। अब हमारे पास एंग्लो इंडियन की सीट वर्तमान में नहीं है। आगे है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नतम उम्र 25 वर्ष होती है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, यह जरूरी नहीं है। देख लीजिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर सरकार गिर जाती है और किसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जितने विधानसभा सदस्य की जो विधायक चुन करके गए होंगे वे अब विधायक नहीं रहेंगे। अर्थात नियम है कि 5 वर्ष रहेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछेगा कि बताइए विधानसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो कितने साल, सॉरी 5 की उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। याद रखेंगे, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, अवध चौधरी हैं। और यहां पर देखेंगे अगला बिंदु है दोस्तों, कहता है नेता, नेता क्या है, तो किसी भी विधान परिषद हो या विधानसभा हो उसमें नेता दो प्रकार का होता है, एक होता है नेता प्रतिपक्ष और एक होता है नेता सत्ता पक्ष। यानी नेता प्रतिपक्ष अभी फिलहाल में कौन है, तो देखिएगा नेता प्रतिपक्ष जो है अभी विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा है जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और वहीं पर नेता सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष में उपस्थित नेता कौन है, तो नीतीश कुमार जो वर्तमान में सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दोस्तों याद रखेंगे ये 8 बार जो है एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार अब तक कितने बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए हुए हैं, तो 8 बार। नेता प्रतिपक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा। नेता सत्ता पक्ष कौन है, नीतीश कुमार, जो कि 8वीं बार सीएम बने। आगे देखते चलो दोस्तों, अगला है कि प्रमुख दलों की सीट संख्या, 17वीं विधानसभा की चुनाव जो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले हुई 2019 के दौरान, तो उस समय 2019-20 के दौरान तो प्रमुख दलों को कितना सीट मिला, सबसे अधिक सीटें मिली हैं आरजेडी को जो कि 75 है, दो नंबर पर बीजेपी को जो कि 74 है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटें और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 सीटें मिली हुई है। ये हम वर्तमान के 4 आंकड़े आपको प्रस्तुत कर दिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे दोस्तों आगे है कि बिहार विधान परिषद, याद रखेंगे बिहार में विधान परिषद भी है, और विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या बिहार में कितनी है दोस्तों, आगे हम चर्चा कर रहे हैं। पहले देखिएगा, बिहार विधान परिषद यह एक अस्थाई सदन है, इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होती है, लेकिन याद रखिएगा हर 2 वर्ष पर इसके तिहाई सदस्य जो होते हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। याद रखिएगा उम्र सीमा यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र सीमा है, 30 वर्ष। कार्यकाल कितने होते हैं, 6 वर्ष। हर 2 वर्ष पर तिहाई सदस्य इसके क्या कर जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। आगे है सदस्य संख्या, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, और यह सदस्य 2 भागों में बटे हैं दोस्तों, एक भाग है निर्वाचित और दूसरा भाग है मनोनीत। याद रखेंगे सदस्य संख्या मनोनीत और किसमें, निर्वाचित में बटा हुआ है। तो पूछ दिया जाएगा एग्जाम्स में कि बताइए बिहार विधानसभा विधान परिषद के कितने सदस्यों को हमारा राज्यपाल निर्वाचित यानी मनोनीत करता है, तो मनोनीत कितना करता है, 12, और निर्वाचित कितने किए जाते हैं, तो वो 63 है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहां पर कि वर्तमान में जो विधान परिषद है उसमें कितनी महिलाएं हैं। तो वर्तमान में विधान परिषद जो है जिसको हम लोग अस्थायी सदन कह रहे हैं, उच्च सदन विधान परिषद, 75 में से 7 सीटें ऐसी है जिस पर अभी महिला वर्तमान में सदस्य कार्य कर रही हैं। आगे देख लेते हैं
विधान परिषद में नेता सत्ता पक्ष और ये कौन है? याद रखिएगा, विधान परिषद में नेता सत्ता पक्ष जो है उनका नाम है नीतीश कुमार। चूंकि दोस्तों नीतीश कुमार जो है वो विधान परिषद से ही आकर के और यहां पर मंत्री बने हुए हैं, वो विधानसभा से नहीं है अर्थात वो विधान परिषद से आए हैं। सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। याद रखेंगे नेता कौन है अभी? नीतीश कुमार। और प्रतिपक्ष के नेता यानी कि विरोधी दल के नेता कौन है? सम्राट चौधरी हैं। याद रखते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, नेता सत्ता पक्ष कौन है? नीतीश कुमार। किसके? विधान परिषद के। प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। और विधान परिषद के कौन है सभापति? हैं देवेश चंद्र ठाकुर। ये तीन बिंदु आपके पास हुआ। पूछ दिया जाएगा कि विधान परिषद के जो उपनेता है वह कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी, जो राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखती हैं। और याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए विधानसभा में कौन नेता उपनेता है तो वो तेजस्वी यादव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, एक एक करके कंटेंट को आप पढ़ते चलिएगा तभी जाकर के फाइनल में आप आंसर कर पाइएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन के लिए। वर्तमान में दलों की सीट संख्या क्या है? तो विधान परिषद में कुल जो 75 सीटें हैं उसमें किस दल की क्या स्थिति है? जहां राष्ट्रीय जनता दल 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर विधानसभा में है, वहीं जेडीयू की टीम 25 सीटों के साथ विधान परिषद में पहली स्थान बनाई हुई है। बीजेपी 23 सीटों के साथ, राष्ट्रीय जनता दल को 13 सीटें हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं विधान परिषद में। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जब वीडियो खत्म होगा तो आप अच्छे से एक बेहतर स्टडी करने वाले स्टूडेंट की तरह आप इसको लेकर के नोट्स जैसे मैंने बनाया है वैसे कर लीजिएगा, आसानी पूर्वक आप एग्जाम से पहले देख कर निकलिएगा, मजा आ जाएगा। अब देख लीजिए, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? व्यवस्थापिका। अब इसके जो हमारे शासन व्यवस्था है उसकी दूसरी अंग कौन होती है? कार्यपालिका। तो अब हम लोग कार्यपालिका देखेंगे। दोस्तों कार्यपालिका में तीन अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे राज्यपाल के बारे में एक्ट नंबर 153 में पढ़ना होता है। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसको 153। लेकिन इसके लिए गठन कौन करेगा? 154 नंबर क्या ये मतलब एक्ट के अनुसार या जो है संसद निर्माण करती है। आगे देख लीजिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्यपाल संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। एक्ट 154 के अनुसार राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। तो याद रखेंगे, राज्य का संवैधानिक जो अधिकार है, संवैधानिक रूप से मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक रूप से मुखिया जो होता है वह राज्यपाल होता है। और यह 153 में कहा गया है और इसके बारे में सारी चीजें डिटेलिंग की गई है एक्ट नंबर 154 में। आगे देख लेंगे, जितने भी कार्य होंगे वह राज्यपाल के नाम से होगा और राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसको सलाह देता है, जो राज्यपाल को क्या देता है? सलाह देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मंत्रिपरिषद की हर बातों को राज्यपाल मान लें, यह आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या होगा? अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल आपको 5 वर्ष के मिलेंगे, उससे पहले राष्ट्रपति चाहे तो प्रसाद पर्यंत वो आपको हटा भी सकता है, लेकिन कार्यकाल ऐसे 5 वर्ष की चंचकी गई है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह से। याद रखेंगे, उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि राज्यपाल केंद्र एवं राज्य के बीच कड़ी का काम करता है। राज्यपाल का मुख्य काम क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच कड़ी का काम करना। एक्ट नंबर 217 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को सिलेक्ट करना है, नियुक्त करना है, तो उसकी सलाह कौन देगा? तो राज्यपाल देगा, किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपना विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। आगे दोस्तों, राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। याद रखेंगे, केंद्रीय विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो राज्यपाल जो होता है सभी किसी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार का प्रथम राज्यपाल जो थे वो हैं सर जेम्स डेविड सिप्टन। याद रखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व बिहार का प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिप्टन थे। वहीं पर वह स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछे तो जयराम दौलतराम थे, जयराम दास दौलतराम। याद रखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं। आगे देख लीजिएगा, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। याद रखिएगा, बिहार में जो है वह अब तक
कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो याद रखेंगे 8 बार लागू हुआ है। सबसे पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ बिहार में, उस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, वे भोला पासवान थे। यह कुल 242 दिनों के लिए लगा हुआ था। याद रखेंगे प्रथम बार पूछ देगा एग्जाम में, प्रथम बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन कितने दिनों के लिए लगा था? 242 दिन। उस समय भोला पासवान इसके क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और नित्यानंद जो थे यहाँ के राज्यपाल थे। उम्मीद करते हैं सब बिंदु समझ में आ रहा है। आगे देखिए, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ता से संबंधित बिंदु दी गई हैं। ये हमारे नोट्स हैं जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न है कि राज्यपाल के वेतन एवं भत्ता, तो देखेंगे इसका निर्धारण हमारा राष्ट्रपति करता है। हमारे देश के राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं किसका? राज्यपाल के वेतन एवं भत्ता का। वेतन जो उसको मासिक रुपये मिलते हैं, भत्ता जो उनके फैसिलिटीज़ मिलते हैं। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को सैलरी मिलता है तो वो हमारे अपने राज्य के क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है 3,50,000, किसी भी परिस्थिति में इसमें कटौती नहीं होती है। तो प्रश्न था कि राज्यपाल के वेतन एवं भत्ता निर्धारण राष्ट्रपति करता है, इसके निर्धारण 3,50,000 रुपए है। याद रखेगा वेतन कहाँ से दिया जाता है राज्यपाल को? तो दोस्तों वेतन राज्यपाल को देने के लिए राज्य, जिस राज्य का वह राज्यपाल है उसकी संचित निधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन पेंशन के बारे में बात किया जाए तो याद रखेंगे राज्यपाल को कोई पेंशन नहीं मिलता है। याद रखेंगे यह एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए भत्ता इनको मिलेगा, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। तो बिंदुए होती है कि कार्यपालिका का जो संवैधानिक जो ये होता है मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे ये इसकी न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होता है। इसकी कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष होंगे। 5 वर्ष से अधिक आपके कार्यकाल नहीं होंगे। हाँ, इसके पहले इसको भंग भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र अगर दे दिया जाए या सरकार गिर जाए उस कंडीशंस में। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम ये कार्यकाल कितने? 5 वर्षों का। नियुक्ति कौन करता है? बहुमत दल के नेता को राज्यपाल, ये अनुच्छेद नंबर 164 के अंतर्गत जो बहुमत दल का नेता है या बहुमत दल से जिसको सभी विधायक सपोर्ट करते हैं उसको वो एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। वो चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं, उसके मतलब उसकी एज कैटेगरिया और वो दिवालिया वगैरह ना हो, ऐसे व्यक्ति को वो चुन लेगा। दूसरी बात यह है, जब कभी किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, किसी भी दल को क्वेश्चन पूछा सकता है, जब किसी भी दल को किसी भी रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, उस समय राज्यपाल जो होता है अपना स्वविवेक का एक प्रयोग करता है, अपने दिमाग के अनुसार किसी व्यक्ति को, जो वो सदस्य विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो या दोनों में से किसी का नहीं हो, लेकिन आने वाले 6 महीना में वो बन जाने की अपनी हिम्मत रखता है या बन जाएगा, ऐसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तरफ से सेलेक्ट करेगा। आगे बढ़ते चलते हैं, ऐसी बिंदुएं कही गई है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री थी वह श्रीमती राबड़ी देवी हुई हैं। याद रखेंगे सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, 8 बार इन्होंने शपथ लिया है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा के साथ ही विधानसभा भंग हो जाता है, याद रखिएगा। अब आइए मंत्रिपरिषद देखते हैं। याद रखिए हमने देखा था कि इसके 3 अंग होते हैं, उसके बाद कार्यपालिका के 3 अंग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आपको जैसे मालूम है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वह राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता करता है और उनको सलाह देता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है अनुच्छेद नंबर 164 के तहत होता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल की सहायता करने के लिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ी पॉइंट है, उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदु है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसके अनुसार विधानसभा के कुल सीट का मात्र 15% ही मंत्री बनाए जा सकेंगे। भले ही आप 2-3 जो है आप क्या कर लीजिए चीज़ों को, मंत्री आप एक ही व्यक्ति कार्यभार संभाल लीजिए, लेकिन मंत्री 15% से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखिए देश की संपत्ति है ये, जनता की संपत्ति है जिसको नेता लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगर भारी मात्रा में ये नेता लोग, अगर भारी मात्रा में मंत्री ही बना दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री में कितना
खर्च आता है। तो इसलिए धन बचे भारत की और भारत के लोगों का, किसी राज्य के जनता का, इसलिए 15% मंत्री बनाया जाता है। हाँ, कार्यभार 1, 2, 3 दे दिए जाते हैं किसी किसी व्यक्ति को। आइए देख लीजिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 प्रकार के होंगे। एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं। आगे बिंदु पर ध्यान दिए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है न्यायपालिका, एक नंबर 214 में इसका वर्णन किया गया है। न्यायपालिका का जो है वह वर्णन कहां किया गया है, 214। न्यायपालिका किसको कहते हैं, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को जो यहां पर कानून की रक्षा करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन याद रखिए एक नंबर अनुच्छेद नंबर 231 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर दे। हमारे संसद के पास इतनी अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 231 के तहत कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक से अधिक उच्च न्यायालय स्थापित कर दे। दोस्तों याद रखिएगा, अपने बिहार का जो उच्च न्यायालय था ना, उसका एक खंड पीठ था जो कि कटक में था। अब जो वो उधर कट गया उस समय था, अब नहीं, अभी बिहार की कोई खंड पीठ नहीं है। पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय जो है वह हमारे बिहार की जो न्यायपालिका व्यवस्था है उसका सर्वोच्च संस्थान है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया। गौर से पढ़ते चलिए, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया स्वतंत्र भारत में के पटना के जो, पहले इस बिंदु को पढ़ लेते हैं उसके बाद, यह है 3 फरवरी 1916 को किया गया। यहां से चल चलिए, ब्रिटिश भारत में यानी कि हाईकोर्ट पटना का मुख्य न्यायाधीश जेम्स चामियार थे। याद रखेंगे, जेम्स चामियार याद रखेंगे, सब हो जाएगा। तो ब्रिटिश भारत में हाईकोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जेम्स चामियार। लेकिन स्वतंत्र भारत के पटना के जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार थे वे सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। याद रखेंगे, प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पटना के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। लेकिन ब्रिटिश भारत में जो प्रथम थे वे कौन थे, जेम्स चामियार। दोनों में अंतर अवश्य लिखिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिए। आगे है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन है। याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है बिहार की, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को दोस्तों हम लोग 5 खंडों में बांटेंगे। एक नंबर प्रमंडल, प्रमंडल से छोटा जिला, जिला को तोड़ा गया अनुमंडल में, अनुमंडल को प्रखंड में, अप्रखंड को ग्राम पंचायत में। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, जिला 38 है, अंतिम जिला अरवल था। अनुमंडल 101 है, प्रखंड की संख्या 534 है और ग्राम पंचायत 8406 है। उम्मीद करते हैं पता चल गया होगा। अब एक एक करके प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, अब आपकी काम शुरू हो गई है, अब आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। पटना एससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर आप लोग खटाखट आंसर कमेंट करते चलिए। अब पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जी हाँ, जितने लोग सही आंसर कमेंट कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, 3 फरवरी 1916 इसका सही आंसर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो होती हैं वह 38 है, 2 जो है वो कहाँ है सर, वह अनुसूचित जनजाति के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विधानसभा के उपनेता कौन है। प्रश्न है, वर्तमान में विधानसभा के उपनेता कौन है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए, फटाफट आंसर कीजिए, वर्तमान में विधानसभा के उपनेता कौन है। सही आंसर है, वर्तमान में विधानसभा के उपनेता तेजस्वी यादव हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती राबड़ी देवी कितनी बार बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की कितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं। राइट है, 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम उम्र, यह इसमें से कोई सत्य नहीं है, क्योंकि निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, लेकिन अधिकतम हमने पूछा इसलिए 25 वर्ष इसका आंसर नहीं होगा। इसका कोई निर्धारण हमारे संविधान में उपस्थित नहीं है। आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन, मात्र 6 ही क्वेश्चन, पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सब दिमाग में आपके कंटेंट में बैठा होगा। अब हमको क्वेश्चन सेट करने में आपके लिए आने वाले क्यूज में
मजा आएगा, इसलिए इस कंटेंट को बढ़ाएं। अब अगले दिन हो सकता है कि हम बिहार बजट को आपको पढ़ाएं, अगर आपकी मांग डिमांड रही तो। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों अभी जो मनोज मिश्रा हैं वह जो हैं आपके इलाहाबाद के हैं, यानी उत्तर प्रदेश के। एस मणि कुमार जो हैं केरल के हैं, और ये संजीव बनर्जी यहाँ के नए मद्रास के हैं। रही बात कि कौन है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के विनोद चंद्रन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के एक एक बिंदु आपको समझ में आया होगा, बिहार की प्रशासन शासन व्यवस्था को आप आसानीपूर्वक समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा आपको छूटेगा नहीं, ये हमारी पूर्ण दुआएँ हैं। शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं अगले दिन।